नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघातून फडणवीसांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि त्यानंतर ते माध्यमांशी संवाद साधत होते। त्यानंतर ही दृश्य आहेत मुंबईतील कुलाबा मतदारसंघातील राहुल नार्वेकर यांचं शक्ती प्रदर्शन कुलाब्यामध्ये सुरू आहे। त्यांच्या शक्ती प्रदर्शनामध्ये एकनाथ शिंदे देखील पोहोचलेले आहेत। कुलाब्यातील ही दृश्य आहेत, राहुल नार्वेकर यांचं शक्ती प्रदर्शन सुरू आहे, एकनाथ शिंदे देखील या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। शेकडोंच्या संख्येने भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते या रैली मध्ये उपस्थित आहेत। ही दोन दृश्य आहेत, पहिली दृश्य आहेत कुलाब्यातील तर दुसरी दृश्य आहेत। आदित्य ठाकरे बार बार कहते रहे कि पिछली बार आपके वोट से जीते थे। बिल्कुल सही है, बीजेपी शिवसेना आरपीआई युति के कारण आदित्य ठाकरे जीते हैं। अभी भी वो कांग्रेस शरद पवार जी की पार्टी इनके बलबूते पर ही खड़े हैं। अभी तक कोई ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा ही नहीं है, तो उनको ये मैं मर्दों की पार्टी हूँ, मुंबई हमारी है, ये बोलने का अधिकार ही नहीं है। एक तो अपना खुद का घर जहाँ रहते हो मतदार संघ छोड़ के भाग जाते हैं और दूसरे जगह दूसरों के बलबूते पर खड़े होते हैं। आदित्य ठाकरे इज द वीकेस्ट कैंडिडेट इन द सिटी। सर, चाचा भतीजे की लड़ाई महाराष्ट्र में खुद देखने मिल रही है। छगन भुजबल जो है उनके भतीजे समीर भुजबल अब उनके पार्टी से बाहर चले गए। दूसरी तरफ अजीत पवार के सामने उन्हीं के भतीजे योगेंद्र को उतार दिया गया। महाराष्ट्र मुंबई में अगर हम देखें तो आदित्य ठाकरे अमित ठाकरे ये आमने सामने जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरह से भतीजा चाचा का जो लड़ाई है वो दिखाई दे रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए सर? देखो, युद्ध महाभारत का हुआ कौरव और पांडवों का, कौन किसका भाई था, चचेरा था, सच्चाई में था, ये विषय गौण है। सच्चाई की और सत्य की लड़ाई थी। कौरव रूपी महाविकास आघाड़ी सामने है और पांडव रूपी महायुति जीतने वाली है। सर, हम ये भी आ रहे कि वर्ली से मिलिंद देवरा को टिकट मिल सकता है शिवसेना? देखिए, जो मिल सकता है उसके ऊपर मैं भाष्य नहीं करूंगा, पर मिलिंद देवरा बहुत ही एक तगड़े उम्मीदवार है और उनका खड़ा होना अगर पार्टी तय करती है तो मिलिंद देवरा का जीत, महायुति की जीत निश्चित है। सर, बांद्रा पूर्व से जिशान सिद्दीकी को महायुति से टिकट दिया गया है, जिशान सिद्दीकी ने आज आरोप लगाया।